हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपको एडवेंचर आइलैंड रोहिणी, जहां पर हो चुकी है सभी वाटर राइड स्टार्ट। इस वीडियो में एडवेंचर आइलैंड रोहिणी की सारी वाटर राइड को मैं दिखाऊंगा ही, साथ में इस एडवेंचर आइलैंड का फुल टूर भी कराऊंगा। क्या टिकट प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, टिकट प्राइस के साथ में कौन कौन सी वाटर राइड और स्लाइड आप यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, क्या पार्किंग के चार्जेस है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस एडवेंचर आइलैंड से रिलेटेड मिलने वाली है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और इस समय पर एडवेंचर आइलैंड के वाटर राइड की काफी ज्यादा डिमांड है, तो वीडियो की स्टार्टिंग हम एडवेंचर आइलैंड के वाटर राइड से करते हैं। एडवेंचर आइलैंड रोहिणी, जो कि दिल्ली एनसीआर के बेहतरीन वाटर कम एम्यूजमेंट पार्कों में से एक होने के कारण अनलिमिटेड वाटर राइड का मजा आप ले ही पाएंगे। साथ में यहाँ पर एक बहुत बड़ा एम्यूजमेंट पार्क को भी आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, और जिसकी स्टार्टिंग 500 रुपीज से होती है। यहाँ की फेमस राइडों में स्प्लैश डाउन, स्प्लैश डंक, जोल्टर राइड, एयर पोगो राइड, जो कि एयरप्लेन की शेप की होती है और काफी जबरदस्त राइड, ये भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। साथ में साइक्लोन राइड को भी आप इंजॉय कर पाएंगे, और एंड में H2O राइड, वाटर राइड भी काफी फेमस है। तो इन सभी राइडों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस तरह की 19 राइड आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी। एक्वा बम्प यहां का एक मेन अट्रैक्शन है, और एक्वा बम्प में 100 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट कर आप एक्वा बम्प की भी राइड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो करते हैं एंट्री अंदर और करते हैं स्टार्ट व्लॉग को। जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये है एडवेंचर आइलैंड का टिकट काउंटर, और यहाँ से टिकट्स लेने के बाद में फिर आप इस एरिया से अंदर जा पाएंगे। अगर मैं टिकट्स की बात करूँ तो सामने आप देख पा रहे हैं, वीक डेज अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, और यही प्लान अगर आप वीकेंड में कर रहे हैं तो 600 रुपीज़ एक्स्ट्रा, यानी 600 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो ये टिकट प्राइस पे करने के बाद में आप इस वाले गेट से एंट्री कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ स्पेशल अट्रैक्शन भी आपको मिल जाएगा, जैसे एक्वा बंक, तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और यहाँ की सभी वाटर राइडों को भी आप एंजॉय कर पाएंगे। तो करते हैं वाटर पार्क के अंदर एंट्री, और सभी राइडों का फुल टूर आपको इस वीडियो के माध्यम से हम कराने वाले हैं। एडवेंचर आइलैंड रोहिणी आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रिठाला का बढ़ने वाला है, और रिठाला मेट्रो स्टेशन से हार्डली 500 मीटर की डिस्टेंस पर आपको एडवेंचर आइलैंड रोहिणी का एंट्री गेट देखने के लिए मिल जाएगा। पार्किंग चार्जेस की मैं बात करूँ तो कार के 50 रुपीज़ और बाइक के 30 रुपीज़ पे करने के बाद में आप सामने जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पर अपनी गाड़ी या बाइक को आसानी से पार्क कर सकते हैं और फिर एडवेंचर आइलैंड के अंदर जा सकते हैं। इस गेट से एंट्री करने के बाद में आपको इस तरह के काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट देखने के लिए मिल जाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी एक यादगार बन पाएंगे, और यहाँ पर काफ़ी लोग फोटोज़ वगैरह खिंचा रहे हैं, तो काफ़ी एक अच्छा अनुभव आपको फील होने के लिए देखने के लिए मिलने वाला है। राइट साइड में देखेंगे तो आपको रनवे वन देखने के लिए मिल जाएगा, और रनवे वन का भी एक व्लॉग मैं पहले से ही ला चुका हूं, तो एज ए रेफरेंस आप उसको भी वॉच कर सकते हैं, और यह भी काफ़ी खूबसूरत प्लेस है। शाम के समय पर यहां की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एंट्री करते हैं आगे के रास्ते में, और सभी राइडों को आपको साथ में एक कर इंजॉय कराते हैं। तो आपको सामने एफिल टावर देखने के लिए मिल रहा है, और एफिल टावर में भी फोटोज़ वगैरह आप क्लिक कर सकते हैं। तो सामने आप देख पा रहे हैं साइक्लोन राइड चल रही है, और काफ़ी फन और मज़ा आप भी इस तरह की राइड में आकर यहाँ पर कर सकते हैं। ढेर सारा फन और मस्ती करने के लिए आपको एडवेंचर आइलैंड से बेस्ट प्लेस कोई नहीं मिलने वाला है। तो अभी राइड डाउन हो रही है और नीचे की साइड में बिल्कुल नीचे आ जाएगी, इस तरह की जो राइड यहाँ पर अवेलेबल है, और इन सभी राइडों को हम भी करने वाले हैं। तो अभी साइक्लोन राइड में बैठ चुके हैं, और हमारी चेयर ऊपर की साइड उठ रही है, तो दिल की धड़कन तेज हो चुकी है, और अभी हमारी जो साइक्लोन राइड है वो हो चुकी है स्टार्ट। तो काफी फन और मजा हमको अपनी इस राइड में आने वाला है, और अभी हम ऊपर की साइड में आ चुके हैं। तो इस तरह का जो मजा आ रहा साइक्लोन राइड में आप भी कर सकते हैं। अभी इतनी हाइट पर मैं चल रहा हूँ, मेरे को नीचे देखने में डर लगता है। नीचे देखो भाई, नीचे हाइट, और इस तरह से साइक्लोन राइड चल रही है, और काफी फन और मजा हम इस साइक्लोन राइड में कर पा रहे हैं अभी। तो भाई हाइट बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे, और मेरी धुंड की धड़कन अभी तेज होती जा रही है, बट अनलिमिटेड मजा जो आ रहा है ना, वो अभी इस राइड में आ रहा है। हाइट इतनी ज्यादा है, मेरे को नीचे देखने में डर लग रहा है, और अब धीरे धीरे ना स्लो डाउन होती जा रही है। तो हमने अपनी साइक्लोन राइड में ना काफी फन और मजा किया, और अब धीरे धीरे से नीचे की साइड में स्लो डाउन होती जा रही है, बट 203 मिनट ना ओवरऑल अनलिमिटेड फन और मजा हमें साइक्लोन राइड में आया है। अब नीचे की साइड में आ रही है, और हमारी जो साइक्लोन राइड है यहीं पर एंड हो रही है। अभी एडवेंचर आइलैंड के जिस एरिया में आ चुका हूँ उसका नाम है स्प्लैश पूल, और मेरे पीछे की साइड में आप देख पा रहे हैं स्प्लैश पूल की एक्टिविटी हो रही है। एक पूल बना हुआ है, और पूल में काफ़ी सारे फन और मजा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप काफ़ी कुछ इंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों के समय पर इस तरह की चीज़ों की काफ़ी डिमांड होती है, तो आप ये एरिया आप देख पा रहे हैं, कम्प्लीट एरिया स्प्लैश पूल का एरिया आप देखने के लिए मिल रहा है, और काफ़ी कुछ फन और मजा फैमिली मेंबर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ में कर रहे हैं। ये वाला जो एक्टिविटीज़ है वाटर राइड स्प्लैश पूल है, और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वाटर की आपको एडवेंचर आइलैंड रोहिणी में देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये सारा एरिया स्प्लैश पूल का एरिया देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर काफ़ी सारा फन और इन्जॉय
आप इन सभी राइडों में यहाँ पर आकर कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी और भी राइडों को, वाटर वाली राइडों को इंजॉय करने के लिए। तो ये सारा स्विमिंग पूल का एरिया आप देख पा रहे हैं और पानी के जो वाटर की राइड है इस सब में काफ़ी कुछ इंजॉय कर रहे हैं। ऊपर की साइड से पानी गिर रहा है और इस पूल में सब फैमिलीज मेंबर और सभी इंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह की जो वाटर राइड है आप भी यहाँ पर आकर इंजॉय कर सकते हैं इसी टिकट प्राइस में। यहाँ पर काफ़ी सारी और भी वाटर राइड अवेलेबल है, तो चलते हैं अभी उन सभी वाटर राइड को इंजॉय करने के लिए। और इस तरह का माहौल अभी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और इस साइड में जो बड़ी वाली राइड है इसका नाम है स्प्लैश डाउन। ऊपर की साइड से जो राइड चल रही है इसका नाम है स्प्लैश डाउन, और नीचे की साइड में जो पीछे की साइड में राइड चल रही है उसका नाम है स्प्लैश डंक। तो सबसे हाइट से ऊपर की साइड में नीचे गिरती है। इस वाली राइड में काफ़ी अनलिमिटेड थ्रिल आपको आने वाला है। तो सामने जो राइड आप देख पा रहे हैं इसका नाम है जेड फोर्स, और ऊपर की साइड तक जाती है, पूरी टॉप तक जा चुकी है, अब जा चुकी है पूरी टॉप तक और नीचे की साइड में गिरी। ओहो, ज़बरदस्त तरीका है, थ्रिल और मज़ा आपको इस राइड में आने वाला है। फुल एंटरटेनमेंट वाली राइड है, इसका नाम है जेड फोर्स। भाई साहब अल्टीमेट मज़ा आपको ये राइड देने वाली है। और चेहरा देखो भाई बंदों का, पूरा लाल हो चुका है जब नीचे की साइड में ड्रॉप डाउन होती है। तो इस तरह की राइड को भी ना आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर आकर। और चार बंदे बैठे हुए हैं इस तरह की राइड में यहाँ पर। तो भी एडवेंचर आइलैंड के जिस एरिया में मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर आपको स्प्लैश पूल देखने के लिए मिल जाएगा। मेरे पीछे बैक साइड में स्प्लैश पूल चल रहा है जहाँ पर फैमिलीज काफी सारे जो अनलिमिटेड राइड है उनका एंजॉय कर सकते हैं। और इस समय पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी के टाइम पर पानी की राइड को सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो आप मेरे इस साइड में आप देखेंगे तो दो राइड देखने के लिए मिल रही है जिसका नाम है स्प्लैश डाउन और स्प्लैश डंक। स्प्लैश डाउन जो राइड है वो सबसे ज्यादा हाइट वाली राइड है, तो इन दो राइडों को भी यहाँ पर आकर आप एंजॉय कर सकते हैं। और किस तरह से स्लोप से आते हैं तो इस तरह की जो राइड भी यहाँ पर आकर आप एंजॉय कर सकते हैं। इस साइड में आप देखेंगे तो वाइल्ड व्हील की एक्टिविटी चल रही है, और वाइल्ड व्हील में आपको इस तरह से कार मिलेंगी और कार में एक पर्सन बैठ पाएगा। बैठने के बाद में काफ़ी कुछ मज़ा और फन कर पाएंगे आप, एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है यहाँ पर भी काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी इंजॉय आप कर पाएंगे। तो इसने टक्कर मार दी और इस तरह से घूमकर आप काफ़ी कुछ इस तरह की जो एक्टिविटीज़ में इंजॉय कर सकते हैं। तो ये वाली जो एक्टिविटी है सब लोग पसंद करते हैं। तो इस वाली एक्टिविटी में देखो किस तरह की जो राइड है कर पा रहे हैं और भीड़ किस तरह की लग रही है। तो हर राइड में आपको एटलीस्ट मान के चलिए आधे घंटे का टाइम लगने वाला है। एडवेंचर आइलैंड के अभी मैं उस एरिया में आ चुका हूं जहां पर मल्टीपल राइड एक ही प्लेस में मेरे को देखने के लिए मिल रही है। पीछे की साइड में आप देख पाएंगे तो जेड फोर्स राइड चल रही है, और इस साइड में आप देख पाएंगे साइड वाइंडर राइड चल रही है। पीछे की साइड में ट्रेन वाली राइड चल रही है जो कि छोटे छोटे बच्चों के लिए होती है और काफ़ी फेमस और बच्चे पसंद करते हैं। और इस साइड में आपको वाइल्ड व्हील राइड देखने के लिए मिल पा रही है, ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। तो वाइल्ड व्हील राइड चल रही है, तो इस एरिया में काफ़ी सारी राइड चल रही है। और सबसे जो फेमस और सबसे जो जबरदस्त और भयानक जो राइड आपको देखने के लिए मिलने वाली है उसका नाम है साइड वाइंडर। तो साइड वाइंडर राइड करके लिए जाते हैं और उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं, किस तरह की राइड है और किस तरह का थ्रिल आपको इस राइड में देखने के लिए मिलने वाला है। शिमला की टॉय ट्रेन आपको एडवेंचर आइलैंड में ही देखने के लिए मिल जाएगी, और इस तरह की टॉय ट्रेन में भी काफ़ी कुछ एंजॉय और मज़ा कर सकते हैं। देख पा रहे हैं आप काफ़ी सारे बंदे बैठे हैं, तो इस तरह की टॉय ट्रेन में भी काफ़ी मज़ा और एंजॉय कर सकते हैं आप। नीचे की साइड में देख पा रहे हैं पटरी बनी हुई है, और इस पटरी पर चलते हुए गोल गोल घूमते हुए जंगल का फॉरेस्ट का फील कराकर जैसे शिमला में टॉय ट्रेन है उस तरह की टॉय ट्रेन आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और लास्ट में देख पा रहे हैं वहाँ पर रुक गई है और काफ़ी पर्सन वेटिंग भी कर रहे हैं। तो इस तरह की टॉय ट्रेन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। जो वाटर राइड आपको एडवेंचर आइलैंड रोहिणी में देखने के लिए मिलने वाली है उसका नाम है साला लाला।
और इस तरह की जो वाटर राइड है आप यहाँ पर आपको देख सकते हैं। शूज अगर आपको यहाँ पर उतारने पड़ेंगे, और उतारने के बाद में अंदर एंट्री करेंगे और यहाँ पर काफ़ी फाउंटेन से बने हुए हैं, तो काफ़ी मज़ा और इंजॉय इस तरह की राइड में आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। ऊपर की साइड में फॉरेस बने हुए हैं और इस तरह का बाकी स्नान वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बार ये राइड भी काफ़ी छोटे छोटे बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस तरह की राइड को, तो यहाँ पर भी कुछ क्वालिटी टाइम यहाँ पर आप स्पेंड कर सकते हैं और काफ़ी मज़ा कर सकते हैं इस वाली राइड में भी, वाटर राइड में भी। तो अगर चलते हैं अभी कौन कौन सी वाटर राइड यहाँ पर अवेलेबल है वो भी हम आगे दिखाने वाले हैं। अभी जो सामने आप राइड देख पा रहे हैं इसका नाम है लाइटिंग बोल्ट, और लाइटिंग बोल्ट की राइड और एक्टिविटीज़ आप भी यहाँ पर आकर कर सकते हैं एडवेंचर आइलैंड रोहिणी में। ये राइड भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इसमें बैठने के बाद फिर ये गोल गोल राउंड सर्कल की तरह घूमती है और 2 से 3 मिनट इस तरह की राइड में आप काफ़ी फन करने वाले हैं। तो एडवेंचर आइलैंड रोहिणी में ये राइड भी काफ़ी फेमस है। अभी आगे की साइड में चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी राइड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। इस तरह की जो वाटर राइड है ना वो भी यहाँ पर अवेलेबल है और फाउंटेन चल रहे हैं, तो काफ़ी जबरदस्त तरीके से थ्रिल और मज़ा इस तरह की राइडों में आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं एक्वा बम्प का एरिया है, एक्वा बम्प की जो एक्टिविटी करने के लिए आपको एक बड़ा वेव पूल देखने के लिए मिल जाएगा, और इस पूल में आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और क्राउड आप देख पा रहे हैं तो एक्वा बम्प की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जिस बच्चे की लंबाई 120 सेंटीमीटर से कम है वो एक्वा बम्प के अंदर नहीं जा सकता। तो इस तरह के जो रूल और रेगुलेशन और इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये एक्वा बम्प के अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ से टिकट्स वगैरह चेक कराने के बाद में फिर आप एक्वा बम्प के अंदर जा पाएंगे। तो एक्वा बम्प के अंदर एक बहुत बड़ा वेव पूल देखने के लिए मिल जाएगा, और उस पूल में आप काफ़ी कुछ एंजॉय और फन कर पाएंगे। तो ये सभी लोग वहाँ खड़े हुए हैं एक्वा बम्प पे जाने के लिए और उन सभी तरह की जो राइड है उनको करने के लिए। तो एक्वा बम्प में देख पा रहे हैं आप कितनी भीड़ देख पा रहे हैं, और इस तरह की जो क्राउड है पूरी एक्वा बम्प में आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। एक्वा बम्प की एक्टिविटी चल रही है, और एक्वा बम्प की एक्टिविटी काफी फेमस है। 100 रुपीज पे करने के बाद में सभी लोगों को दिख पा रहे हैं आप एक्वा बम्प की एक्टिविटी है वो कर पा रहे हैं, और काफी क्राउड आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। इस साइड में भी जाऊंगा तो H2O राइड चल रही है यहाँ पर, H2O राइड में बकेट नीचे की साइड में गिरती है, तो काफी अल्टीमेट मजा आपको आने वाला है। तो यहाँ पर H2O राइड चल रही है, दोनों वाटर राइड है, ये वाली वाटर राइड है और इस साइड में आप घूमेंगे ये वाली भी वाटर राइड है। ये बेसिकली एक पूल है, और यहाँ पर लॉकर्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पर लॉकर्स वगैरह रखने के बाद में, क्लोथ वगैरह चेंज करने के बाद में फिर आगे की जो राइड है एक्टिविटी है वो आप कर पाएंगे। तो अभी चलते हैं H2O राइड में पीछे की साइड में, और उसमें काफी कुछ एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर ये कॉस्ट्यूम और लॉकर का चार्ज है, और यहाँ पर चार्ज देख लेते हैं किस तरह का चार्ज आपको कॉस्ट्यूम लॉकर का पे करना पड़ेगा। स्विमिंग शॉर्ट्स 100 रुपीज, स्विमिंग टी शर्ट 100 रुपीज, और वन पीस वन सेट का 200 रुपीज। तो इस तरह के चार्जेस पे करने के बाद में फिर आप H2O राइड कर पाएंगे। तो अभी बढ़ते हैं आगे साइड में H2O राइड में किस तरह का माहौल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है क्राउड। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ एडवेंचर आइलैंड की H2O राइड करने के लिए। H2O राइड में बकेट भरती है पीछे की साइड में, और बकेट भरने के बाद अनलिमिटेड मजा और फन आपको यहाँ पर आने वाला है। बेसिकली एडवेंचर आइलैंड रोहिणी में H2O राइड सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बकेट भरती है और उसके बाद जो अनलिमिटेड थ्रिल है वाटर राइड का वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो करते हैं भी H2O राइड, और ये 500 रुपीज के जो प्राइस है उसमें ही आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं भी H2O राइड करने के लिए। ये जो पूरा कंप्लीट एरिया आप देख पा रहे हैं H2O राइड का है, और H2O राइड जो क्लोजिंग का टाइम है वो 6:30 पर H2O राइड क्लोज हो जाती है। शूज वगैरह आपको यहीं पर उतारने पड़ेंगे, शूज वगैरह उतार कर ही फिर आप अंदर जा पाएंगे। और यहाँ पर H2O राइड के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बेसिकली क्लोथ्स वगैरह और शूज वगैरह उतार के जाने पड़ते हैं, तो हम भी शूज वगैरह उतारने के बाद में फिर आप H2O राइड करने के लिए चलते हैं। और इस तरह का जो माहौल है अभी आप यहाँ पर H2O राइड करने के लिए देख पा रहे हैं, पूरी तरह से जैम पैक है, और आज मंडे का दिन है तो इस तरह की क्राउड और भीड़ आपको H2O राइड में देखने के लिए मिलने वाली है। हर जगह पानी पानी आपको देखने के लिए मिल रहा है। गर्मी का सीजन है और इस समय पर वाटर राइड की सबसे ज्यादा डिमांड है। बकेट ऊपर भरने वाली है, और बकेट भरने का सभी इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही बकेट भरेगी
हंगामा मच जाएगा पूरे साइड में एरिया में यहाँ पर, और छोटे छोटे बच्चे काफी इंजॉय कर रहे हैं इस तरह की जो वाटर राइड है। आगे की साइड में आप देखेंगे ऊपर ब्रिज बना हुआ है, तो ब्रिज के एरिया में भी काफी इंजॉय कर रहे हैं लोग इन सभी वाटर राइड को। उस साइड में भी पानी गिर रहा है, तो काफी अनलिमिटेड मजा इस एरिया में शो, और बकेट भर चुकी है, और ओ इस तरह का फन और मजा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। क्राउड देखो जी, क्राउड मंडे का दिन है और इस तरह की जो क्राउड है ना आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। सिर्फ बकेट भरने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही बकेट भरती है पूरी तरह धमाल मच जाता है इस पूरे एरिया में। तो इस तरह की रॉक क्लाइंबिंग की एक्टिविटी भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, और ये सभी जो लाइन लगी हुई है रॉक क्लाइंबिंग की एक्टिविटी करने के लिए ऊपर लगी हुई है। बेसिकली पैर आपको रखना पड़ता है, और पैर रखने के बाद में फिर आप ऊपर की साइड में चढ़ पाएंगे। तो भाई लड़की चढ़ रही है ज़बरदस्त तरीके से, और इस तरह की एक्टिविटी को आप भी यहाँ पर आकर कर सकते हैं, और काफ़ी हाइट पर पहुँच गई है, और इस तरह से पैर रखने के बाद में फिर आप ऊपर चढ़ सकते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार एक्टिविटी रॉक क्लाइंबिंग की भी है, और इससे काफ़ी इंजॉय और मज़ा भी आप कर सकते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ को। तो देखते हैं कितने ऊपर तक ये लड़की जा पाती है इस रॉक क्लाइंबिंग एक्टिविटी को। गिरने का कोई चांस नहीं है क्योंकि बेल्ट बंधी हुई है और ऊपर की साइड में प्रोटेक्शन दी हुई है, तो हेलमेट भी बांधा हुआ है। तो इस तरह की एक्टिविटी भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। खाने पीने की भी काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी, चिकन जी सेक वगैरह ये सारा कुछ आपको देख पा रहे हैं, ये सभी कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। और इस साइड में इस स्ट्रीट चाट वगैरह, छोले गोलगप्पे वगैरह ये सभी चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो खाने पीने की फैसिलिटीज़ आपको हर तरह की देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पर फूड हर तरह के मिलने के साथ में पानी की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी। तो अपने घर से आ रहे हैं तो वाटर बॉटल ले आइए, और पानी की बोतल को आप यहीं से रिफिल करा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए कम्प्लीट एरिया में देखने के लिए मिल रही हैं। यार राइड तो सारी मज़ेदार है, और ये वाली राइड भी मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रही है। एक बोट बनी हुई है, और बोट में आप काफ़ी कुछ पर्सन एंजॉय कर सकते हैं बैठने के बाद में, और इस तरह की राइड यहाँ पर आकर कर सकते हैं। इसका नाम है रॉकिंग्स। तो ये वाली राइड भी काफ़ी मज़ेदार है, और इस वाली राइड में भी काफ़ी कुछ मज़ा और इन्जॉय आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। आप चलो ना, तो मैं नहीं क्या एडवेंचर आइलैंड में यहाँ की वाटर राइड करने के लिए क्लोथ्स मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप चाहें तो यहाँ से क्लोथ्स भी ले सकते हैं और लॉकर भी ले सकते हैं। तो लॉकर का चार्जेस 200 रुपीज़ पड़ने वाला है, और 200 रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट पे करने के बाद में आप इन सब वाटर राइड को एंजॉय कर सकते हैं। बट ये मैंडेटरी नहीं है, आपकी ऑप्शनल है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आप नहीं ले सकते। तो इस तरह की फैसिलिटीज भी आपको मिलने वाली है, और क्लोथ्स वगैरह भी आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। तो इस तरह का जो माहौल है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। और अभी चलते हैं बची हुई वाटर राइड को करने के लिए, और यहाँ की जो स्प्लैश डाउन और स्प्लैश डंक राइड है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगी। तो एक बार और फिर से इन सभी राइडों को करने के लिए आगे साइड में जा रहा हूँ। एडवेंचर आइलैंड में मैं अभी आ चुका हूँ स्प्लैश डाउन राइड पे। ये पीछे की साइड में सेफ देख रहे हैं, इस पर जाने के बाद में फिर मैं नीचे की साइड में ड्रॉप डाउन होगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलते हैं अभी बोट की सवारी करने के लिए, और फिर नीचे की साइड में ड्रॉप डाउन होंगे, काफ़ी मज़ा इस राइड में आने वाला है। तो करते हैं इस राइड को भी। इस एरिया में मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर दो राइड अवेलेबल है, इस तरह की बोट्स लेनी पड़ती है, स्प्लैश डंक और स्प्लैश डाउन। ये वाली जो राइड है स्प्लैश डंक है, हाइट कम है थोड़ी इसकी, और स्प्लैश डाउन की स्लोप ज़्यादा है।
तो दो तरह की जो राइड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। आज संडे का दिन नहीं है, फिर भी आपको देख पा रहे हैं कितनी क्राउड देखने के लिए मिल रही है। अभी ये वाली बोट लेते हैं और बोट लेने के बाद में फिर इस तरह का जो राउंड चक्कर सर्कल लगाने के बाद में फिर आप जा पाएंगे। और आप सामने देख पा रहे हैं एग्जाम्पल, तो इस तरह का थ्रिल आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बोट ऊपर की साइड से नीचे गिर रही है और काफ़ी जगह तरीके का मज़ा आपको इस राइड में आने वाला है। कपड़े सारे भीग जाते हैं बट ट्रस्ट में काफ़ी मज़ा और थ्रिल आपको इन सभी राइडों को देखने के लिए मिलने वाला है। ये वाली बोट है, इनमें बोट बैठने के बाद में फिर इस तरह से घूमते हुए फिर आगे की साइड में जाने के बाद में फिर आप ऊपर की साइड में जाएंगे, तो काफ़ी ज़बरदस्त मज़ा और थ्रिल आपको इन सभी राइडों में आने वाला है। तो बोट आ चुकी है, तो इस तरह की जो बोट में बैठने के बाद में फिर आप इन सभी राइडों को कर पाएंगे। ये बोट्स लग चुकी हैं और यहाँ से लोग भगा रहे हैं और बैठ रहे हैं और फिर ऊपर जाते हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त मज़ा और थ्रिल हम इन सभी राइडों को कर पा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे साइड में और जो बची हुई एडवेंचर आइलैंड की राइड है उनको करने के लिए, दो से तीन राइड और बची हुई है, उन सभी राइडों को कम्प्लीट करते हैं। एयरपोगो राइड है वो भी मेरे को काफ़ी पर्सनली अच्छी लगी, तो वाटर राइड के अलावा इन सभी राइडों को भी आप यहाँ पर आकर इंजॉय कर सकते हैं। तो एयरपोगो राइड हमारी स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी जबरदस्त और मज़ेदार राइड ये भी है। ऊपर की साइड में आप जाएंगे फिर नीचे की साइड में ड्रॉप डाउन हो गए, तो काफ़ी मज़ा और थ्रिल आपको इस एयरपोगो राइड में देखने के लिए मिलने वाला है। तो काफ़ी फन और मज़ा हमको इस राइड में देखने के लिए मिल रहा है। ओए भाई, इस तरह की जो राइड है ना आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अब दो राउंड मिलते हैं, एक राउंड हो चुका है हमारा और सेकंड राउंड के लिए भी जा रहे हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं 10 12 15 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी एंजॉय और मजा करने वाली राइड है। एरोप्लेन की सेफ्टी जो राइड है और आपको मैं इस तरह से दिखाऊं सामने से, तो काफ़ी मज़ेदार राइड है और इसी वजह से सर हम एयरपोगो पड़ा है, तो एयरप्लेन की सेफ्टी राइड है और इस तरह से मज़ा आप इन राइडों में कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं और फिर आप घूमेंगे स्पीड से, तो ये वाला जो मज़ा है ना फिर एकदम ब्रेक मार दिए, तो काफ़ी ज़्यादा शरीर है मज़ा इन राइड में आपको आने वाला है और दो से तीन मिनट काफ़ी एंजॉय आप इन राइडों में कर पाएंगे। तो भाई एंड हो चुकी है ये राइड और इतनी राइड थी, ये फाइनली ये राइड एंड हो चुकी है। तो दो से तीन मिनट ही मिलती है एक राइड करने को इसको, और ये सब राइडों में आप काफ़ी इंजॉय और मज़ा कर सकते हैं। तो भैया अब लॉक खुलने वाला है और लॉक खुलने के बाद में फिर अगली जो राइड है उसको हम करने के लिए जाने वाले हैं यहाँ पर। तो एयरपोगो राइड है, इसको भी छोटे बच्चे आपके याद आ रहे हैं, तो इस राइड को भी आप जरूर करें। सामने जो राइड आप देख पा रहे हैं इसका नाम है क्लिफ हैंगर और जेट फोर्स राइड है, उसका ही छोटा पार्ट है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं 5 साल 8 साल तक के, तो वो क्लिफ हैंगर राइड करते हैं, और जिससे जो ज़्यादा बड़े पर्सन होते हैं तो वो जेट फोर्स राइड करते हैं। तो क्लिफ हैंगर राइड को आप देख पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका वेट 40 kg तक है वो इस राइड को कर पा रहे हैं। तो इस तरह की जो राइड है उसको भी छोटे छोटे बच्चे एंजॉय करते हैं और काफ़ी मज़ा करते हैं। आपके साथ अगर छोटे बच्चे हैं और तो इस राइड को काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं और काफ़ी फन कर सकते हैं। आगे की साइड में जो आप राइड देख पा रहे हैं जोल्टर राइड है, और जोल्टर राइड में भी काफ़ी भीड़ मेरे को देखने के लिए लग रही है। जोल्टर राइड बेसिकली काफ़ी ज़बरदस्त राइड है और काफ़ी फन और मज़ा आपको इस राइड में आने वाला है। तो जोल्टर राइड में आप क्राउड देख पा रहे हैं और जोल्टर राइड में चलते हैं एंजॉय करने के लिए। तो अभी सामने जो राइड आप देख पा रहे हैं इसका नाम है जोल्टर राइड, और जोल्टर राइड में आपको काफ़ी फन और मज़ा आने वाला है। ऊपर जाती है नीचे जाती है, तो काफ़ी अल्टीमेट थ्रिल आपको इस राइड में देखने के लिए मिलने वाला है। और इस साइड में इस तरह से बैठते हैं, ये लॉक हो जाता है, और फिर अल्टीमेट फन और मज़ा आप इस जोल्टर राइड में कर पाते हैं। तो इस तरह की जो राइड है इसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं, और झटके से ऊपर नीचे होती है, तो इस तरह का जो अनलिमिटेड फन और थ्रिल है आपको इस राइड में देखने के लिए मिलने वाला है। देखो भाई बहुत एक्साइटेड है इस तरह की राइड को करने के लिए, फुल मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त तरीके से बैल बच चुकी है।
बता दूंगा, बैल बच चुकी है अभी, और इस तरह से लॉक ओपन होता है, लॉक ओपन होने के बाद में फिर सब लोग बाहर आ जाएंगे, तो इस तरह की जो राइड है इसको भी आप अनलिमिटेड मज़ा और फन कर पाएंगे। पूरा झटका लगता है। सामने जो राइड आप देख पा रहे हैं इसका नाम है फायर ब्रिगेड, और ये फायर ब्रिगेड की शेप की तरह से एक कार बनी हुई है, और ये अप एंड डाउन होती है, बट ये छोटे बच्चों के लिए तो मोस्ट प्रेफरेबल है, बट इसमें कोई इंटरेस्ट मेरे को पर्सनली नहीं आ रहा। और ये ऊपर से ऊपर तक जाती है, और ऊपर तक जाने के बाद में फिर नीचे की साइड में ड्रॉप डाउन होती है, तो जो छोटे एज के बच्चे हैं वो इंजॉय कर सकते हैं इसमें, बट ज़्यादा मज़े वाली राइड ये मेरे को देखने के लिए नहीं लगने वाली है। सबसे ज़्यादा जो इन्जॉय यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं यहाँ की वाटर राइड में, और ये सामने आप देख पा रहे हैं ये सभी वाटर राइड चल रही हैं, तो यहाँ पर स्प्लैश पूल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और इस स्प्लैश पूल में फ्री ऑफ कॉस्ट 500 रुपीज़ के पेमेंट में ही आपको काफ़ी मज़ा देखने के लिए मिलने वाला है। लोग बाग पानी में इन्जॉय कर रहे हैं, और गर्मियों के सीज़न पर वाटर राइड ही सबसे ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं लोग बाग, तो देख पा रहे हैं किस तरह से इन्जॉय कर रहे हैं इन सभी वाटर राइड्स को। अब उछला देख पा रहे हैं इस तरह की राइड जिसका नाम है बुश बगीज, उसमें भी काफ़ी कुछ एंजॉय कर सकते हैं आप, और कार में आपको जंगल के रास्ते से काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं इस तरह की राइड में। 4 पर्सन बैठते हैं और काफ़ी फन और मज़ा इस तरह की राइड में आप कर सकते हैं। किस तरह से जा रही है, और इस तरह से जाते हुए पटरी पर जाएगी और फिर आगे की तरफ से इस तरह घूमते हुए काफ़ी इंजॉय और फन इस तरह की राइड में आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो इस राइड का नाम है बुश बगीज। दिन के समय में एफिल टावर के पास में ये जो पूरा कंप्लीट एरिया देख पा रहे हैं, यहाँ पर बोट राइड करने में काफ़ी मज़ा आएगा आपको, और 100 रुपीज़ ये चार्ज करते हैं, और इस तरह की जो बोट को राइड कर सकते हैं आप। ये जो पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं ये इवनिंग के समय में एक्टिविटी होती है, और काफ़ी लोग बोट की राइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर इवनिंग के समय में काफ़ी क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं एडवेंचर आइलैंड में विजिट करने के बाद में। तो सभी ये बोट राइड का एरिया है, और यहाँ पर आप काफ़ी सारी बोट राइड भी कर सकते हैं। सामने एफिल टावर दिखाई दे रहा है, उसके बैक साइड में आपको रनवे 1 देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये एडवेंचर आइलैंड का एरिया आप देख पा रहे हैं।